नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं हमने, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। इतना कहने के बाद भी आप शेयर लाइक कुछ करते ही नहीं है, क्या फायदा है। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, आज का विचार चलो इसे देख लेते हैं। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का विचार है, ये कह रहे हैं वो, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। इसका आशय होगा कि हर इंसान के अंदर हर तरह की शक्ति होती है, यदि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी नहीं आती हम हिंदी नहीं सीख सकते, या हमें जीके नहीं आते भाई हम पे तो आती नहीं है हम तो सीख ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो आप किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकते हैं, आपको कुछ भी आ सकता है यदि आप चाहें तो, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इंसान के अंदर सारी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, बस आपको उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जो इंसान अपनी जिस शक्ति को आगे बढ़ा लेता है वही आगे जाके उसे पूरा रूप दिखा देती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने पहले प्रश्न पर। अपनी शक्तियों को ध्यान में रखा करो, ठीक है, पॉजिटिव शक्तियों को आगे बढ़ाया करो। चलिए शेयर कर दिया होगा सबने, सभी लोग जुड़ गए होंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, इंटरव्यू का हिंदी अर्थ है। इंटरव्यू शब्द दिया है और पूछा है इसका हिंदी अर्थ क्या है। कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दीजिए। भेंट वार्ता, विचार विमर्श, अंतः संबंध या परामर्श, जल्दी से आंसर दीजिए। इंटरव्यू का हिंदी अर्थ है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, ए, भेंट वार्ता। इंटरव्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है, भेंट या वार्ता। ठीक है, साक्षात्कार भी कहते हैं उसे, इंटरव्यू को। इंटरव्यू का हिंदी मीनिंग साक्षात्कार भी होता है और भेंट वार्ता भी कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ सबके समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द चुनना है। चिंता क्या है, चिंता रोग है, कष्ट है, व्याधि है या आधी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही रोचक प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज की वीडियो में प्रश्न सभी अच्छे हैं, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दीजिए अपने अपने। चिंता एक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्या है चिंता, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले आंसर देख लेते हैं आपके और आंसर बता देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा, चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन होगा इसका आधी, ठीक है, डी,
डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? डी वाला। अब हम इन और जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आधी चिंता क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मानसिक पीड़ा जो होती है ना, हमारी मानसिक पीड़ा को कहते हैं हम चिंता। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है रोग, रग नस की व्यथा, अस्वस्थ होना। जब शरीर अस्वस्थ है तो उसको क्या कहेंगे हम? रोग कहते हैं। शरीर की अस्वस्थ दशा रोग कहलाती है। ठीक है, अब बात रोग रोग की बात तो कर ली हम, अब कष्ट की बात कर लेते हैं। कष्ट क्या होता है? ठीक है, कष्ट प्राय शारीरिक होता है। ठीक है, किंतु अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक तो होता ही है कष्ट, लेकिन अनुभूति व्यक्त भी कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, जब कष्ट होता है तो उसे हम व्यक्त करते हैं कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है या हमको ये चोट लग गई। ठीक है, उसको हम व्यक्त करते हैं, अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं उसके द्वारा। ठीक है, व्याधि क्या होता है? शारीरिक पीड़ा को क्या कहते हैं हम? व्याधि कहते हैं। जो शरीर में कोई पीड़ा हो उसे कहते हैं व्याधि। मानसिक पीड़ा को आधि कहते हैं और मानसिक पीड़ा को ही चिंता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंता। शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। ठीक है ना, आशा करती हूँ प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आदि मानसिक पीड़ा को चिंता कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ये भी आंसर देना कमेंट बॉक्स में, हिंदी का पहला पत्र है कौन सा। ठीक है, ये मैं प्रश्न करा चुकी हूँ पहले, अब ये बताना है कि कब और कहाँ प्रकाशित हुआ। ठीक है, आपको तो दोनों ही आंसर देने हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से, 1828 में मुंबई से। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? ए, 1826 में कलकत्ता से। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? बहुत अच्छा आंसर सबका अच्छा है। कौन सा है? उत्तंड मारतंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? वंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, वंगदूत किसके द्वारा निकाला गया? चलिए, ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा पहले भी, सर ने पढ़ाया होगा जीके में। चलिए आंसर ले लेते हैं। वंगदूत पत्र के बारे में किसने निकाला था? ये राजा राममोहन राय ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कविता का बहुवचन है। कविता का बहुवचन पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। कविता का बहुवचन क्या है? जल्दी से सभी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कविता का बहुवचन क्या है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा कविता का बहुवचन? ए, कविताएं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछा है।
जल्दी से आंसर दे दीजिए। कोयल, कंकड़, कृष्ण, कमल, कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन से होते हैं जो संस्कृत के ज्यों का त्यों प्रयोग में आते हैं? वो होते हैं तत्सम शब्द। अब जल्दी से बता दीजिए कौन सा शब्द इसमें संस्कृत जैसा आपको नहीं लग रहा। ठीक है, तत्सम का सही पहचान यही है, जो आपको संस्कृत जैसा ना लगे उसे हम तत्सम समझ सकते हैं। जिसको बिल्कुल नहीं आता ये पहचान करना, वो ऐसे पहचान कर सकता है। जो शब्द पढ़ने में संस्कृत जैसे लगे वो तत्सम के होते हैं, जो हिंदी जैसे लगे वो तद्भव के होते हैं। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा इसका ए, कोयल। कोयल शब्द तत्सम का नहीं है, ये तद्भव शब्द है। यदि कोयल का तत्सम करेंगे हम तो क्या होगा? कोकिल होगा। ठीक है, क्या होगा? कोकिल होगा। ये बाकी शब्द तत्सम के ही हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। रेलगाड़ी शब्द है, तद्भव है, विदेशी है, देशज है या संकर है? जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रेलगाड़ी शब्द क्या है? बहुत अच्छे, इस प्रश्न का आंसर तो ज्यादातर सही है। चलो आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है। ठीक है, संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो शब्द होते हैं संकर शब्द। अब रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बनाए शब्द, रेल और गाड़ी, जिसका अर्थ क्या होता है? रेल पर चलने वाली गाड़ी। क्या होता है? जिसका अर्थ रेल पर चलने वाली गाड़ी। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं रहता है रेल किसे कहते हैं। रेल पटरी को कहते हैं और जो उस पर चलती है वो गाड़ी होती है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में एक और आंसर दे दीजिए। रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चोर के पैर नहीं होते का अर्थ है, चोर के पैर नहीं होते का अर्थ है, पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, गरीब का मन अस्थिर होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। क्या होता है आंसर इसका? चोर के पैर नहीं होते, इसका अर्थ पता है क्या होता है? दोषी व्यक्ति अपने आप ही फंस जाता है। जब कहीं चोरी कर रहा होता है कोई इंसान, जरा सी खटपट हो जाए तो ही बाहर निकल के खड़ा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है? उसका मन अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता। स्थिर होगा तो वो नहीं जाएगा भाग के, लेकिन उसका मन अस्थिर होता है, चारों तरफ की सोचता रहता है, उसे जरा भी खटपट की आवाज ये लगती है कोई आ गया और भाग जाता है चोर। इसलिए कहते हैं कि चोर के पैर नहीं होते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है, बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीना होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। अच्छा, जीरा खाने से पेट भर जाएगा मतलब। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका आंसर तो लगभग सबको ही पता होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा? बहुत थोड़ा, इसका आंसर होगा बहुत। अब ऊंट के मुंह में तुम जीरा डालोगे, इतना बड़ा ऊंट है और उसके मुंह में जीरा, तो बहुत थोड़ा ही तो हुआ ना।
मतलब जितनी जरूरत है उससे बहुत कम मात्रा में चीज है, तो उसको कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। कोई किसी सामान की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और कोई थोड़ा सा ले आए तो आप यही कहेंगे ना, अरे यार क्या ले आया ऊंट के मुंह में जीरो, है ना? तो ये बहुत थोड़े के लिए बोला है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अंतरंग का सही विलोम है, विलोम शब्द छांटना है, जल्दी से छांटिए। बहुरंग, बहिरंग, सबरंग या कुरंग? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अंतरंग का विलोम पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका? बहिरंग। ठीक है, बहिरंग का मतलब बाहर होता है और अंतरंग का मतलब अंदर होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है द्विज शब्द का अर्थ पूछा है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, यहाँ तक कि यूपीएसआई और यूपीएससी के पेपर में भी कई बार पूछा गया ये प्रश्न, द्विज शब्द का अर्थ। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, इस द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी या ये सभी? चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका? ये सभी। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए। द्विज शब्द जो होता है ना, वो दो शब्दों से बना होता है। ठीक है, लिखने के लिए थोड़ा स्क्रीन छोटी है ये, चलिए मैं बोल के बता देती हूँ। द्विज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें द्वि का अर्थ होता है दो और ज का अर्थ होता है जन्म। तो जिसका दो बार जन्म हुआ हो उसे कहते हैं हम द्विज। तो इसमें आप सोच रहे होंगे आंसर ये सभी क्यों है? ब्राह्मण आंसर है इसका, ऑप्शन है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होता है उसका दो बार जन्म माना जाता है, एक तो वो जब ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है तब, और एक जब जन्म माना जाता है जब वो यज्ञ वगैरह करने का उसे अधिकार प्राप्त होता है, वो कर्म से भी ब्राह्मण बन जाता है, तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है उसको। ठीक है, तो ब्राह्मण के इस प्रकार दो जन्म माने जाते हैं, एक तो जाति से ब्राह्मण और एक कर्म से ब्राह्मण। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण को द्विज में रखा गया है। दूसरा दांत, आपको पता ही है दांतों का जन्म दो बार होता है, दूध के दांत होते हैं फिर बाद में दूसरे वाले दांत निकलते हैं। एक होता है पक्षी, बहुत लोग ये समझते होंगे कि पक्षी के दो पंख होते हैं या वो उड़ता है इसलिए उसको द्विज कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पक्षी का भी दो बार जन्म होता है। पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और दूसरी बार जब वो पक्षी बनता है तो पक्षी के रूप में जन्म लेता है, इसलिए उसे द्विज की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए इसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल का। उरोज किसका है? स्तन का पर्यायवाची है उरोज। कामदेव का पर्यायवाची क्या हुआ? मनोज। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है इनमें? मनोज। ठीक है, सरोज कमल को कहते हैं और उरोज स्तन का पर्यायवाची है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पूछा है सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? विचरण चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं या अपूर्ण विराम कहते हैं?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास में इस चिन्ह का बहुत प्रयोग होता है। इस चिन्ह की वजह से द्वंद्व समास की हम पहचान भी करते हैं। द्वंद्व समास में ये चिन्ह जरूर मिलता है आपको देखने को, ज्यादातर, हर केस में नहीं, ज्यादातर मिलता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ये वाला कभी आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, सुख दुख के बीच में जो लगा हुआ है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, ये है योजक चिन्ह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उसने उसे छल से पराजित किया। मैं छल से कौन सा कारक है? उसने उसे छल से पराजित किया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। उसने उसे छल से पराजित किया मैं कौन सा कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। या तो किसी प्रश्न में से लगा हो या के द्वारा लगा हो, एक ही बात होती है। ठीक है, से या के द्वारा, से का सेंस के द्वारा से ही होता है। उसने उसे छल से पराजित किया तब भी यही बात है, और हम ऐसे बोले इसको उसने उसे छल के द्वारा पराजित किया तब भी वही बात है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, करण कारक। जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो उसे हम करण कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में छल से कार्य संपन्न हुआ है, छल से उसने पराजित किया है, तो छल क्या हो गया? करण कारक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पूछा है प्रश्न, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। ठीक है, मात्राओं पे ध्यान मत देना, सभी में एक जैसी हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द के लिए सबसे पहले वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, हमें एक क्रिया लेनी चाहिए और उसको इस शब्द के साथ प्रयोग कर लेना चाहिए, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। जल्दी से एक क्रिया लीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है, आंसर ले लेते हैं। चलो आंसर होगा हमारा ए, पानी। क्या है? पानी स्त्रीलिंग नहीं है, पानी पुल्लिंग होता है। कैसे पुल्लिंग होता है? हमने क्रिया ले ली बहता, ठीक है, बहना हमारी क्रिया हो गई और हमें इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, पानी बहता है। आपने सुना है कभी पानी बहती है? पानी नहीं बहती है, पानी बहता ही है हमेशा। पानी पिया जाता है, पी नहीं जाती, ठीक है, पानी पिया ही जाता है हमेशा। तो क्रिया हमारी पुल्लिंग वाली लग रही है, क्या हो गया? पानी पुल्लिंग हो गया। और जो नीचे तीन शब्द दिए हुए हैं इनको वाक्य में आप प्रयोग करके ऐसे ही देख लीजिए, शायद आपको पता चल जाएगा, लेकिन आंसर हमारा पानी होगा, ये पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है। आप नीचे वाले शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। अब आपको देखना है कि कौन सा अशुद्ध है समास की दृष्टि से। भरपेट में अव्ययभाव समास होता है, रसोई घर में तत्पुरुष समास होता है, दाल रोटी में द्वंद्व समास होता है, चाल चलन में समास ही लिख दिया, नाम नहीं लिखा, अव्ययभाव समास था। चलिए ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, खुद से लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन अव्ययी भाव समास था इसका। ठीक है, भरपेट में अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। भरपेट में अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि
अव्यय लगा हुआ है भर, ठीक है, ये सही है हमारा। रसोई घर में तत्पुरुष समास होगा, कल पूछा गया था ये प्रश्न, रसोई के लिए घर उसमें तत्पुरुष समास होगा। दाल रोटी में द्वंद्व समास ही होगा, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। आंसर क्या था हमारा, डी था इसमें आंसर, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये हो गया है थोड़ा। चाल चलन में अव्ययीभाव समास दिया हुआ था ऑप्शन में, पर अव्ययीभाव समास नहीं होता है, कौन सा होता है, चाल चलन में द्वंद्व समास होता है, ठीक है, सही होगा हमारा द्वंद्व, लेकिन इस ऑप्शन में अशुद्ध पूछा था तो चाल चलन में अव्ययीभाव समास अशुद्ध होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तिरंगा शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा तिरंगा शब्द में, ये कल भी बात हुई थी, इस पे मैंने होमवर्क दिया था इसलिए मैंने ले लिया है, क्योंकि इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। द्वंद समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, ये मैंने होमवर्क में दिया था, ओनली एक बच्चे ने होमवर्क किया था, अभिषेक ने होमवर्क किया था। चलिए सारे बच्चे होमवर्क किया करो भाई, गलत बात होती है, आप भी थोड़ी सी मेहनत किया करो ना। वो कहते नहीं है जब तक संत की होए ना हासी जब तक संत बने ना सन्यासी, अब तुम मेहनत नहीं करोगे तो जॉब कैसे मिल जाएगी, जॉब सबको चाहिए, मेहनत कोई नहीं करता, मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं तिरंगा शब्द में समास क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा। समास देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे समास का, क्या करेंगे विग्रह। तिरंगा शब्द का हम दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, तो इसमें समास भी दो ही होने चाहिए। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से तिरंगा शब्द का, पहले हम विग्रह करेंगे तिरंगा अर्थात तीन रंगों वाला, तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा, द्विगु समास, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, तिरंगा तीन रंगों वाला द्विगु समास हो गया इसमें। लेकिन यदि द्विगु समास ऑप्शन में ही ना हो, और यदि ऑप्शन में भी हो और हम इसका विग्रह ऐसे करें, विग्रह के आधार पर समास को देखा जाता है, हमने विग्रह किया है अभी तीन रंगों वाला, तो हमारा हो गया तिरंगा, तो इसमें कौन सा समास हो गया, द्विगु, क्योंकि संख्या आई है तीन, ठीक है। अब हम इसका समास विग्रह ऐसे करेंगे कि तीन रंगों वाला अर्थात भारतीय ध्वज, तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीही समास होगा। यदि हम भारतीय ध्वज के रूप में इसका विग्रह करेंगे तो बहुव्रीही समास होगा, और यदि हम तीन रंगों का बस इतना ही विग्रह करेंगे, तीन रंगों का तिरंगा, तो द्विगु समास होगा। यदि ऑप्शन में द्विगु समास ना दिया हो, बहुव्रीही समास दिया हो, तो आंसर बहुव्रीही समास भी होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा राजेंद्र शब्द है, कौन सी संधि है राजेंद्र शब्द में, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने कल इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताई थी आपको, शायद आपको याद भी आ रही हो। जल्दी से बता दीजिए आंसर, जिनको संधि नहीं आती वो ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था कल, जिसमें दो ए की मात्रा हो उसमें वृद्धि संधि, जिसमें सिंगल ए की मात्रा हो उसमें गुण संधि, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होगी, राजेंद्र में एक ए की मात्रा है तो गुण संधि, दो ए की मात्रा होती तो वृद्धि संधि होती, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे राजेंद्र शब्द है, देवेंद्र शब्द है, महेंद्र शब्द है, इनमें सब में एक ही मात्रा है तो गुण संधि होगी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा तरणी के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार पूछा है। तरणी के संग तरल तंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें अलंकार पूछा है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जिसको नहीं आता है वो तुक्का लगा लिया करो।
जिनका सही होता है उन्हें याद बेशक ना रहे, लेकिन जो गलत कर देते हैं ना उनको याद हमेशा रहता है। गलतियां करो, गलतियों से ही इंसान सीखता है। ठीक है, सही वालों को एक बार कोई याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने गलत किया है उन्हें 100% याद रहेगा कि हाँ मैंने ये गलत किया था और इसका आंसर ये है। तो इसलिए गलती भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, चलते हैं अब आंसर देख लेते हैं। आंसर कौन सा होगा इसमें? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार क्यों होगा? देख लेते हैं एक बार। इसमें तरणी शब्द दो बार दिया हुआ हुआ है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ अलग अलग हो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ पे तरणी शब्द दो बार दिया हुआ है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। इस तरणी का अर्थ सूर्य है और इस वाली तरणी का अर्थ नाव है। क्या है? नाव है। जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा हो और बार बार उनका अर्थ अलग अलग हो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे एक वो है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता दिखाए, इसमें भी यमक अलंकार है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। पूछा है पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आज का लास्ट प्रश्न है ये हमारा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जल्दी से कमेंट कीजिए। वैसे आप, यदि आपको दोहा सरोठा और चौपाई इनकी पहचान करनी है, तो आप इन्हें थोड़े लय में गा के देख सकते हैं, आपको शायद पता चल जाए। मुझे तो पता चल जाता है भाई, लय में गाने से लय बन जाए तो चौपाई है, ऊंचे स्वर में लय बने तो दोहा है। चलो आंसर देख लेते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका चौपाई, बी चौपाई है ये। चौपाई क्या होता है? सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें चार चरण होते हैं, हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए इतनी देर तक। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।